तो ये मेरे पास Redmi Note 12 4G जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, आज मैं आपको उसके टॉप 9 हिडन फीचर बताने वाला हूँ। अगर आपने ये फोन बाय कर लिया तो भी वीडियो काम की, अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हो दोनों ही केस में आपकी वीडियो काम की, तो वीडियो लास्ट तक देखना। मैंने काफी सारे अच्छे हिडन फीचर बताया जो यूजफुल है, वीडियो लास्ट तक देखना। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है रैम एक्सटेंशन का, मतलब आपके अभी फोन में 6GB रैम है, इसको आप 3GB और बढ़ा सकते हो। सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पर आप जाओ, इसमें आपको नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मेमोरी एक्सटेंशन का, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, 1GB, 2GB और 3GB। अब आपको जैसे 1GB बढ़ाना तो 1GB, 2GB बढ़ाना है तो 2 और 3 बढ़ाना तो 3। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा रीबूट करने का, मतलब रीस्टार्ट करने का। जैसे आप रीस्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपका जो फ़ोन है 6+3 9GB हो जाएगा, या जितने भी GB वाला आपने वेरिएंट लिया होगा। वैसे तो इसमें 6GB बेस आता है, 6+3 9GB रैम हो जाएगा। काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको आप ट्राई जरूर करना। सो जो नेक्स्ट फीचर है वो है सेकंड स्पेस। अगर आपके फ़ोन में ऐसा कुछ डेटा जो आप किसी और को शो नहीं करना चाहते हो, सिंपली आप सेटिंग में जाओ, यहाँ पर ये दो स्पेस बना देगा, मतलब इस फोन को दो बना देगा। अभी यहाँ पर आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आप जाओगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सेकंड स्पेस नाम से। सेकंड स्पेस पे गए, अब यहाँ पर देखो टर्न ऑन सेकंड स्पेस, इसको ऑन करोगे अब ये फ़ोन आपको दो डिवाइस बना देगा, मतलब एक आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो और एक आप अगर किसी को दे रहे हो, हैंडओवर कर रहे हो तो वहाँ पर कर सकता है। मतलब आपका दो, एक फ़ोन में दो डेटा रहेगा, दो फोटो वीडियो आप रख सकते हो। यहाँ पर सिंपली सेटअप करना है, कंटिन्यू वगैरह करके देखो यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा देगा। अपना पासवर्ड वगैरह भी सेट कर सकते हो सेकंड स्पेस के लिए, जैसे मेरे को अगर मैंने ये सिंपली अभी रख रहा हूँ, सॉरी पहले मुझे मेरा पासवर्ड डालना जो मेरा है एक्चुअल, तो ये मैंने डाला, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये मेरा नया पासवर्ड बनाने का बोल रहा है सेकंड वाले के लिए। तो भाई ये देखो ये मैंने कर दिया और ये कन्फर्म और यहाँ पर बन चुका है सेट नाउ, मैंने कर दिया। फिंगरप्रिंट वगैरह ऐड कर सकते हो, चलो इसको स्किप कर देते हैं, ख़त्म। ये अब ये बना रहा भाई सेकंड स्पेस और ये बन गया है। इसके पहले जितने भी मैंने कैमरा टेस्ट के लिए फ़ोटो ली थी वो उस वाले मोड में चली गई है, अभी इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, पूरा खाली है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बंद करके, अब मैं इसको यहाँ चालू करूँगा तो दो पासवर्ड डालने की जगह पर दो आएंगे। अब मैं या तो ये वाला डालूँगा तो मेरा पुराना विंडो चालू होगा। अभी देखो आपको फोटोज़ वीडियोज़ भी मैं दिखाऊँगा। अब मैं यहाँ पर गया, देखो सिंपल, थोड़ा सा समय लेगा, ये लोड लेगा क्योंकि थोड़ा प्रोसेसर वैसा ही है ना, स्लो है ना, 15,000 के अंदर और क्या लोगे। तो यहाँ पर देखो भाई कुछ इस तरह की ये फोटोज़ वीडियोस जो मैंने कैमरा टेस्ट के लिए ली थी वो याले मेरे उसमें आ गई, क्लोन वाले में। अब जैसे मैं ये वाला पासवर्ड डालूँगा जो मैंने बाद में सेट किया ये वाला, तो अब मेरा दूसरा फ़ोन खुलेगा, मतलब उसमें कुछ भी डाटा वगैरह कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा लैग करेगा, ऑब्वियसली दो डिवाइस बनाया उसने, प्रोसेसर उतना खास नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले मोड में अगर मैं जाऊँ गैलरी में तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए जिनको जैसे फैमिली में देना है, हैंड ओवर करना है और आप किसी को डेटा शो नहीं करना चाहते हो, काफ़ी काम का फीचर है, ज़रूर ट्राई करना। सिंपली बस अपना पासवर्ड ही आपको चेंज करना है, दो लगाना है, सिंपल। जो नेक्स्ट फीचर है वो देखो भाई, यहाँ पर मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो मैंने फिंगरप्रिंट है यहाँ पर, फिंगरप्रिंट सेंसर, अभी एक चीज़ मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये मैंने अनलॉक किया और यहाँ पर देखो ये होम स्क्रीन है। अब यहाँ पर देखो डबल टैप कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कैमरा ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप इस फिंगरप्रिंट पर जेस्चर सेट कर सकते हो, डबल टैप करोगे तो मैंने कैमरा किया, आप जो करना चाहो कर सकते हो। सिंपली क्या करूँगा, सेटिंग में जाना है आपको, यहाँ पर नीचे स्लाइड करना और एडिशनल सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग और नीचे आपको जेस्चर्स वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, जेस्चर्स एंड शॉर्टकट, ये रहा। यहाँ पर आप जाओगे नीचे आपको मिलेगा डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पर देखो डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, इस पर गया। अब मैंने यहाँ पर कैमरा सेलेक्ट किया था, आप कैलकुलेटर भी कर सकते हो, साइलेंट मोड भी कर सकते हो, तो मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखाता हूँ। अब ये कैलकुलेटर पर हो गया, डबल टैप करूँगा तो कैलकुलेटर खुल जाएगा। ये देखो भाई डबल टैप करने पर कैलकुलेटर खुल रहा है। तो ये इस तरह का आप जेस्चर ऐड कर सकते हो। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें कितने ऑप्शन आ रहे हैं, एडिशनल सेटिंग, जेस्चर एंड शॉर्टकट्स, नीचे डबल टैप फिंगरप्रिंट, और देखो भाई लॉन्च कैमरा, कैलकुलेटर, साइलेंट मोड भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप दबाओगे तो साइलेंट भी हो जाएगा। ये देखो भाई वाइब्रेशन फील हुआ मुझे, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वो बना हुआ आ गया आइकन, दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखो यहाँ पर ऊपर आपको साइलेंट का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर डबल टैप करने पर ये देखो भाई हट गया, ये मैंने डबल टैप किया और वापस आ जाएगा ऊपर। अच्छा भाई ये आ गया, और डबल टैप करूँगा तो हट भी जाएगा। थोड़ा सा परफेक्ट जगह पे अगर प्लेस होगा डबल टैप तो फिर डेफिनेटली हो जाएगा। तो नेक्स्ट फीचर है वो कैमरे के अंदर है डॉक्यूमेंट्स नाम से। यहाँ पर आपको सबसे पहले दूसरे नंबर पे देखो, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट्स मोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको जाना है। अब ये क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटो लेता है, सपोज़ ये बॉक्स है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे काफ़ी सारी चीज़ें रखे और मुझे सिर्फ इस पर जो लिखा हुआ है ना बस उतना फोटो लेना। सिंपली क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट मोड में जाके इसकी फ़ोटो क्लिक करूँ,
यहाँ पर ये इसको प्रोसेस कर रहा है, थोड़ा सा फोटो लेने के बाद थोड़ा समय लेगा प्रोसेस करने के बाद। और यहाँ पर देखो भाई, प्रोसेस करने के बाद इसने यहाँ पर इस बॉक्स को सिलेक्ट किया है, सिंपली यहाँ पर राइट में दबाऊंगा। देखो भाई उतनी चीज़ों में से सिर्फ और सिर्फ बॉक्स का फोटो लिया ये देखो भाई। और ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी अमेजोन से कुछ फ़ोटो वगैरह डाउनलोड करी है, फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी है ये, और एक स्कैन कॉपी जैसा आ गया भाई, काफ़ी सही लग रहा है देखने में। देखो भाई इसमें वो फ़ोटो तो हटा दी इसने, मतलब सिर्फ बॉक्स बॉक्स का लिया है, इतनी सारी चीज़ों में से उसने सिर्फ बॉक्स का फ़ोटो लिया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और स्कैन करके दिया है जो डिटेल वगैरह है ना, जो टेक्स्ट की, वो भी काफ़ी सही से निकल कर आई है। तो डॉक्यूमेंट शॉट का फायदा उठा सकते हो, काफ़ी सही चीज़ है, इसको आप यूज़ जरूर करना। सो जो नेक्स्ट फीचर है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से रिलेटेड। अब इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिए तो उसका आप कहीं ना कहीं बेनिफिट ले सकते हो। सिंपली आपको जाना है सेटिंग में और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर है, इसको ऑन करना है। अब यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहो, अपना टेक्स्ट खुद लिखना चाहते हो, कोई कोड बनाना चाहते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर कीप काम एंड कैरी ऑन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं करा अप्लाई करा, अब देखो भाई मेरी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ही आ गया ऑटोमेटिक। तो आप भी इस तरह से कुछ ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपको कोई टेक्स वगैरह नहीं चाहिए, आपको डिजिटल एनालॉग चाहिए, वॉचेस चाहिए, तो आप यहाँ पर बना सकते हो इस तरह से, जो टाइम दिखाएगा डेफिनेटली। यहाँ पर आप इसको मान लो अप्लाई करते हैं, अब मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आप देखो ऑटोमेटिक ये वॉच आ गई है। कुछ नोटिफिकेशन वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कोई यहाँ पर आप देखोगे AI के थ्रू जो यहाँ पे कस्टमाइज्ड किए हुए हैं बैकग्राउंड वगैरह, वो भी आप रख सकते हो वेदर के अकॉर्डिंग, या जो भी आपको करना है पैटर्न्स वगैरह है, ये भी आप चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे डिजिटल एनालॉग्स है, ये भी आप रख सकते हो, अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा आपको अगर मान लो कस्टमाइज़ करना है फ़ोन को, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि आप फ़ोन अगर टेबल पर रखें तो आपको एक यूनिक सा चीज़ें मिले। यहाँ पर देखो भाई कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है, और कुछ कस्टम पैटर्न्स भी है यहाँ पर, आप इस तरह से देखो भाई, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से है, ये देखो भाई कुछ इस तरह से आप चीज़ें लगा सकते हो। इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, सिंपली बंद करता हूँ, और अब देखना आप ये कुछ इस तरह से आप यूनिक बना सकते हो, अच्छा लगता है देखने में जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। और यहाँ पर आपको ना एक एज लाइटिंग वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के नीचे आप जाओगे नोटिफिकेशन इफेक्ट, यहाँ पर आप जाते हो तो देखो भाई जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरह की लाइट आपको साइड बाई साइड यहाँ पर देखने को मिलेगी। रेड भी कर सकते हो और कुछ इस टाइप से भी कर सकते हो, जैसे ही आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप देखो भाई इस टाइप का यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन मिलेगी, काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है, देखने में काफ़ी सही लगता है। अब जैसे आपको पता भाई ये फ़ोन 6.67 इंचेस का एक बड़ा स्क्रीन है। अब जैसे मेरे हाथ छोटे तो मुझे ये फ़ोन बड़ा लगता है, मैं इसको सिंगल हैंड यूज़ करना चाहता हूँ तो सिंपली सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप जाओगे एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर वन हैंडेड मोड मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ऑन कर देना। और यहाँ पर आपको ये एक ट्यूटोरियल टाइप दे देगा कि भाई किस तरह से आपको स्लाइड करना है, तो नीचे यहाँ से इस बटन से लेकर के मतलब बैक बटन से लेकर के होम बटन तक स्लाइड करना है इस टाइप से। तो देखो ये नीचे आ गया, एक बार और करके दिखाता हूँ इस टाइप से, जैसे मैं स्लाइड करूँगा नीचे से इधर तो ये आ जाएगा। एक बार फिर दिखाता हूँ, हालांकि कोई एप्लीकेशन चाहिए, सपोज़ कैमरा है ओपन है लेकिन मैं सिंगल हैंड यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं स्लाइड करूँगा नीचे आ जाएगा। अब मुझे कैमरे का कोई ऊपर से ऑप्शन ऑन करना तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जो जनरली मैं अभी ऐसे पकड़ा हुआ है तो ऊपर से नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, सिंपली यहाँ से स्लाइड करूँगा नीचे आ जाएगा। सिंगल हैंड भी आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो अगर आपके हाथ छोटे हैं या फिर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है यूज़ करने में। नेक्स्ट फीचर भी काफ़ी काम का है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन हाइड करनी है जो यहाँ पर नहीं दिखे बट आप ही उसको एक्सेस कर पाओ, सपोज़ मैसेज है, नेटफ्लिक्स है, मैं इसको और हाइड करके दिखाता हूँ। सेटिंग में जाना है, सिंपली सेटिंग में सर्च करो यहाँ पर हिडन, जैसे आप हिडन करोगे तो हिडन ऐप सबसे ऊपर आ जाएगा, इसको ओपन करना है। यहाँ पर सपोज़ मैं आपको नेटफ्लिक्स हाइड करके दिखाता हूँ, यहाँ पर गए सिंगल क्लिक पे ये हो गया भाई, यहाँ पे हाइड क्लिक हो जा, यहाँ पे हाइड हो गया। हाउ टू फाइंड, यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपको जूम करना है या पिंच करना है, तो यहाँ पे गए गॉट इट। अब देखो भाई ये खाली स्क्रीन है, यहाँ पे मैं सिर्फ यू करूँगा और मेरा हाइड एप्लीकेशन आ गई। यहाँ से ऐड करना है जो जो एप्लीकेशन और करना है तो वो भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। अब आप कोई भी एप्लीकेशन के दो एप्लीकेशन चाहते हो तो सिंपली क्या करना है, सेटिंग में जाना है, मतलब दो एप्लीकेशन बना सकते हो व्हाट्सअप का फेसबुक का। यहाँ पर आपको जाना है ऐप्स का, आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ऐप्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डुअल एप्स ओपन करोगे, यहाँ पर आप देखो क्रिएट कर सकते हो। अब जितनी एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देखो ये वाला। अब जैसे नेटफ्लिक्स करता है, अमेजोन करता है, तो अमेजोन का मैं क्लोन बना लेता हूँ, टर्न ऑन किया, अब ये क्लोन बना रहा है बैकग्राउंड में, तो आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा समय लेगा क्रिएटिंग डुअल ऐप। तो यहाँ पर दो ऐप इसको बना रहा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट और जो जो एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता है, यहाँ पर जैसे स्पोटिफाई को भी कर देते तो इंस्टॉल कर लिया इसने। अब मैं आपको बैक आके दिखाता हूँ, देखो भाई यहाँ पर अमेजोन का क्लोन और स्पोटिफाई का क्लोन बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशंस के क्लोन बना सकते हो, दो एप्लीकेशन आप सिंगल फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है, अगर आप एप्लीकेशंस को लॉक करना चाहते हो तो सिंपली सेटिंग में जाओ, सिंपल वापस वहीं से जाना है ऐप्स पर। जैसे आप ऐप्स पर जाओगे
एप्स पे जाने का सबसे आखिरी में आपको मिलेगा एप लॉग, इस पे जाना है और यहाँ से टर्न ऑन करना है और जो भी पासवर्ड आपको लगाना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे इस टाइप का पासवर्ड लगाया, तो अब मुझे यहाँ पर साइन इन नहीं करना भाई, 4 सेकंड रोकना पड़ेगा ओनली, मुझे यहाँ पर साइन इन नहीं करना है। तो भाई यहाँ पे गए और जो जो एप्लीकेशन आपको चाहिए, जैसे यहाँ पर गैलरी वगैरह, फेसबुक वगैरह सब पे, सिंपली एक क्लिक करूँगा यूज़ एप लॉक, तो इन सब पर एप लॉक लग चुका है और फिंगरप्रिंट भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये हो चुका है वेरीफाइड और इतने सारी एप्लीकेशन पर लग गया है। अब मैं आपको गैलरी यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे गैलरी पर जाऊँगा, देखो भाई, या तो फिंगरप्रिंट मांगेगा या फिर ये पैटर्न, देखो भाई फिंगरप्रिंट से खुल गया, और पैटर्न अगर चाहिए तो पैटर्न पे भी खुल सकता है। सो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा और कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस फोन से किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो कमेंट कर देना, हम उस पर वीडियो ला देंगे। या किसी और फोन से कंपैरिजन चाहते हो डेफिनेटली हम बना देंगे। कैमरा टेस्ट हमारे चैनल पर है, हिडन फीचर आपने देख लिया, अनबॉक्सिंग रिव्यू भी है, जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।